यह जो वीडियो है यह मैथ्स की जो पहला चैप्टर है 12th का, उसकी चौथी वीडियो है और यह NCERT का तीसरा उदाहरण है। पहले मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ, इसे आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा आर, यल जो है वह समस्त रेखाओं का समुच्चय है और उस समुच्चय पर एक संबंध परिभाषित किया गया आर, आर बराबर L1 कामा L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। मतलब उसमें जो रेखाएं हैं उसमें संबंध है कि वे लंब हैं, लंबवत का संबंध है। समुच्चय L पर परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु ना तो सुतुल्य है ना ही संक्रामक। तो हमें इसको प्रूव करना है कि सममित तो है, ना सुतुल्य है, ना संक्रामक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने इसको हल करना शुरू किया है। ये तो प्रश्न था, तो यहाँ पर हल मैं लिख दे रहा हूँ। जो हमें समुच्चय दिया गया हो, L दिया गया है, L क्या है, समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है। उस पर एक संबंध परिभाषित किया गया है R, R क्या है, L1 कामा L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। तो यह संबंध है। अब देखिए, इसको हमें स्वतुल्य अगर प्रूव करना है तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, A1 A2 बिलोंग टू R, यानी इसमें अगर हम एक रेखा को L1 ले लें तो L1 L2 बिलोंग टू R होना चाहिए, तभी वह स्वतुल्य हो पाएगा। तो अगर हम L1 L2 बिलोंग टू R लेते हैं, L1 L2 बिलोंग टू R लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा L1 L2 पर, L1 L1 पर लंब है। यही ना संबंध, उसमें देखिए लंब का बताया गया। अगर L1 L2 बिलोंग टू R होता है तो L1 L2 पर लंब होती है। अगर हम इसे प्रूफ करना चाह रहे हैं कि सुतुल्य है, तो सुतुल्य कब होगा, जब L1 L1 बिलोंग टू R होगा। ये तो मैंने संबंध लिखा, ये तो मैंने R लिखा, उसमें रिलेशन क्या है। अब अगर सुतुल्य होगा तो L1 L1 बिलोंग टू R होगा, और L1 L1 बिलोंग टू R होने का मतलब क्या हुआ, L1 L1 पर लंब है। आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई एक रेखा है तो यह अपने आप पर कैसे लंब हो सकती है, समांतर हो सकती है, कोई रेखा अपने आप के समांतर हो सकती है, लेकिन एक ही रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। तो यह जो संबंध है वह सुतुल्य नहीं है। तो देखिए, इसको मैंने लिखा है, हम जानते हैं कि कोई भी रेखा खुद पर लंब नहीं हो सकती है, इसलिए L1 L1 डज नॉट बिलोंग टू R। L1 L1 R में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये L1 रेखा L1 पर लंब नहीं हो सकती। अतः यहाँ पर लिखना चाहिए था अतः अतः R सुतुल्य नहीं है। तो ये तो प्रूफ हो गया सुतुल्य नहीं है। अब देखिए, सममित हमें प्रूफ करना है। सममित में क्या होता है, A1 A2 बिलोंग टू R लेते हैं हम लोग, और A2 A1 बिलोंग टू R प्रूफ करते हैं। L1 L2 बिलोंग टू R अगर हमने ले लिया, तो देखिए जो यहाँ पे संबंध परिभाषित किया गया है वो संबंध है L1 L2 अगर R में है तो L1 L2 पर लंब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 पर लंब है। तो अगर एक रेखा L1 है, देखिए इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ये रेखा आपकी L1 है और दूसरी रेखा आपकी L2 है, L1 L2 पर लंब है, तो L2 L1 पर भी तो लंब है। अगर इस रेखा पर यह रेखा लंब है तो इस रेखा पर यह रेखा लंब है, तो बात सही है, L1 L2 पर लंब है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, L2 L1 पर लंब है। तो अगर L2 L1 पे लंब है तो हम लोग क्या लिखेंगे, L2 L1 बिलोंग टू R,
एल वन एल टू बिलोंग टू आर है तो एल वन एल टू पर लंब है, एल वन पहले है तो एल वन को पहले लिखा गया। अब जब एल टू एल वन बिलोंग टू आर है, एल टू एल वन पर लंब है, जिसको क्या लिखेंगे, एल टू एल वन बिलोंग टू आर लिखेंगे। तो हमने ए वन ए टू बिलोंग टू आर लेके ए टू ए वन बिलोंग टू आर प्रूफ कर दिया, तो अतः आर सममित है। उसी टाइप की चीज़ प्रूफ हुई है यहाँ पर, ए वन की जगह पर एल वन है, ए टू की जगह पर एल टू है, ये सममित प्रूफ हो गया। संक्रामक में देखिए, संक्रामक में क्या होता है, ए वन ए टू बिलोंग टू आर और ए टू ए थ्री बिलोंग टू आर होता है, हमें प्रूफ क्या करना होता है, ए वन ए थ्री बिलोंग टू आर। तो एल वन एल टू बिलोंग टू आर तथा एल टू एल थ्री बिलोंग टू आर, एल वन एल टू बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एल वन एल टू बिलोंग टू आर का मतलब एल वन एल टू पर लंब है, एल टू एल थ्री बिलोंग टू आर का मतलब एल टू एल थ्री पर लंब है, यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, एल टू एल थ्री पर लंब है। तो देखिए ये एल वन है, ये एल टू है, एल टू एल वन पर लंब है और एल थ्री एल टू पर लंब है, तो क्या देख पा रहे हैं कि एल वन एल थ्री पर लंब है, नहीं, एल वन एल थ्री के समांतर हो गई है, अस्पष्ट है कि एल वन एल थ्री के समांतर है, देखिए समांतर है तो लंब तो नहीं है, जब लंब नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल वन एल थ्री डज नॉट बिलोंग टू आर, एल वन एल थ्री आर में कब होता है, जब एल वन एल थ्री पर लंब होती है, लेकिन लंब नहीं है तो समांतर है, तो जब अगर समांतर है तो यह आर में नहीं होगा, ये जो क्रमित युग्म होगा, अतः आर संक्रामक नहीं है। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर तीन समाप्त हो गया। चलिए हम लोग चौथे एग्जाम्पल पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एक दो तीन, एक समुच्चय है, इस पर एक संबंध परिभाषित किया गया आर, आर क्या है, एक कामा एक, दो कामा दो, तीन कामा तीन, एक कामा दो, दो कामा तीन द्वारा प्रदत्त संबंध सतुल्य सतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। तो देखिए यहाँ से मैंने हल शुरू किया, जो हमें समुच्चय दिया गया उसको हमने ए मान लिया है और एक दो तीन ये समुच्चय है। तो अगर किसी समुच्चय में एक दो तीन अवयव हैं तो यह सतुल्य कब होगा, जब आर में एक कामा एक भी हो, दो कामा दो भी हो, तीन कामा तीन भी हो। तो एक कामा एक, दो कामा दो, तीन कामा तीन, ये आर में तो मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, सतुल्य है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सतुल्य चेक करेंगे, सतुल्य ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे वन कामा वन बिलोंग टू आर, टू कामा टू बिलोंग टू आर तथा थ्री कामा थ्री बिलोंग टू आर, अतः आर सतुल्य है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर किसी समुच्चय के जो सभी अवयव हैं, समुच्चय के सभी अवयव हों, उसमें संबंध में ए कामा ए बिलोंग टू आर हो, तो वह संबंध कैसा होता है, सतुल्य होता है। इसको पहले भी मैं समझा चुका हूँ। तो एक कामा एक भी मिल रहा है, दो कामा दो भी है, तीन कामा तीन भी है, तो जो संबंध हमारा आर है वो सतुल्य है। सममित में क्या होता है कि अगर ए वन ए टू बिलोंग टू आर होता है तो ए टू ए वन भी बिलोंग टू आर होना चाहिए। देखिए ए वन ए टू, ए टू का मतलब जिस जो इसका आखिरी है वो इसका पहला होना चाहिए, तो यही जोड़ा मुझे मिल रहा है, यह ए वन ए टू है या ए टू ए थ्री है। तो देखिए वन टू बिलोंग टू आर तो है, सॉरी मैं गलत समझा रहा हूँ, वो संक्रामक को मैंने समझा दिया। देखिए एक दो अगर है तो दो एक भी होना चाहिए, तब वो सममित होगा। तो एक कामा दो बिलोंग टू आर है, परंतु दो कामा एक आर में नहीं है, कहाँ आर में दो कामा एक है, तो डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर सममित नहीं। सममित के लिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, ए वन ए टू बिलोंग टू आर अगर है तो ए टू ए वन बिलोंग टू आर होना चाहिए। एक कामा दो है लेकिन दो कामा एक नहीं है, आप इसको भी लिख सकते थे, दो कामा तीन है लेकिन तीन कामा दो नहीं है, इसलिए सममित नहीं है।
संक्रामक में देखिए, वो जो मैं समझा दिया था संक्रामक की कंडीशन थी, ए वन ए टू बिलोंग टू आर और ए टू ए थ्री बिलोंग टू आर। तो हमें प्रूफ करना होता है कि ए वन ए थ्री बिलोंग टू आर। तो देखिए यह ए वन ए टू है, यह ए टू ए थ्री है, मतलब यहाँ जो आखिरी में है वो पहले है, तो यही पेयर हमें मिल रहा है। तो देखिए संक्रामक हम कैसे प्रूफ करेंगे, एक कामा दो बिलोंग टू आर तथा दो कामा तीन बिलोंग टू आर, परंतु अब हमको क्या मिलना चाहिए, ए वन ए थ्री मिलना चाहिए, एक कामा तीन डज नॉट बिलोंग टू आर। इस संबंध में आप देख लीजिए एक कामा तीन कहीं नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। तो ये जो संबंध है यह स्वतुल्य है, लेकिन ना तो सममित है और ना ही संक्रामक। तो यह एग्जाम्पल नंबर चार था, ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब पांचवें एग्जाम्पल को देखिए, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है उसको हम z कहते हैं, पूर्णांक जानते होंगे एक दो तीन, जीरो भी होता है, माइनस पूर्णांक भी होते हैं। तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जो पूर्ण संख्याएं, समझ पा रहे हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इन्फाइनाइट तक, उसके बाद जीरो एक दो तीन इन्फाइनाइट तक, इसको पूर्णांक कहा जाता है, इसको लिखते हैं जेड से। इस पर एक संबंध परिभाषित किया गया आर ए कामा बी सच दैट संख्या दो ए माइनस बी से विभाजित करती है, ए माइनस बी से विभाजित करती है, से नहीं बल्कि यहाँ को होना चाहिए था, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो हमें इसको तुल्यता संबंध प्रूफ करना है। तो तुल्यता के लिए हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले लिख लिया है, जो संबंध दिया है वो है आर बराबर ए कामा बी, संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है, ए माइनस बी को विभाजित किया, देखिए मैंने सही लिखा है, वही था, से नहीं था बल्कि को था। तो देखिए ए माइनस बी को अगर संख्या विभाजित कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी एक सम संख्या। तो ये आपको बता दूं कि जीरो जो होती है वो सम संख्या में आता है। सबसे पहले इसको हम स्वतुल्य प्रूफ करेंगे। अब देखिए कोई मैंने एक पूर्णांक ले लिया है ए, तो ए बिलोंग टू जेड, यानी ए पूर्णांक है, के लिए दो ए माइनस ए को विभाजित करता है, करती है, मैंने लिखा ए माइनस ए को, मतलब जीरो, तो जीरो बट्टा दो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो को दो विभाजित करता है, इसलिए ए कामा ए बिलोंग टू आर, अतः आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा। यानी कोई भी अगर आप संख्या ले लेंगे, कोई भी संख्या ले लेंगे, कोई पूर्णांक ले लेंगे, उसको घटा देंगे जीरो आ जाएगा, और जीरो को दो क्या करता है, विभाजित करता है, जीरो में दो से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। तो ए कामा ए बिलोंग टू आर मिल रहा है, अतः आर स्वतुल्य होगा। सममित, यदि अब सममित में क्या होता, अगर ए वन ए टू बिलोंग टू आर है तो ए टू ए थ्री ए टू ए वन भी बिलोंग टू आर होना चाहिए। यदि ए बी बिलोंग टू आर हो तो ए बी बिलोंग टू ए कामा बी बिलोंग टू आर का मतलब क्या हुआ, दो ए माइनस बी को विभाजित करती है, दो से ए माइनस बी संख्या क्या होती है, विभाजित होती है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैं छः माइनस चार ले रहा हूँ, तो छः माइनस चार को मतलब दो आ रहा है, तो दो से दो कट जा रहा है, तो चार माइनस छः भी जो है वो माइनस दो आएगा, या भी दो से कट जाएगा। तो अगर ए माइनस बी को दो विभाजित कर रहा है, तो दो जो है वो b माइनस ए को भी विभाजित करेगा, बस यहाँ पर अगर प्लस आया तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो दो b माइनस ए को विभाजित करेगा। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, a माइनस बी में अगर कामन ले लेंगे, मान लीजिए इसमें से आपने कामन ले लिया माइनस, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपका आंसर प्लस में आया है तो यहाँ पर माइनस में आएगा, आंसर वही आएगा। अगर दो ए माइनस बी को विभाजित करती है तो दो बी माइनस ए को ही विभाजित करेगी।
तो अगर दो ए माइनस बी को विभाजित कर रही है इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए ए कामा बी बिलोंग टू आर है तो ए माइनस बी है, और अगर बी माइनस ए होगा तो बी कामा ए बिलोंग टू आर मिलेगा। ए पहले है तो ए पहले, बी पहले है तो बी पहले लिखा जाएगा। तो बी कामा ए बिलोंग टू आर मैंने प्रूव कर दिया, ए कामा बी बिलोंग टू आर लेके बी कामा ए बिलोंग टू आर मैंने प्रूव कर दिया, तो ये संबंध कैसा हो गया? सममित हो गया, अतः आर सममित है। अब संक्रामक देख लीजिए, संक्रामक में क्या होगा? ए वन ए टू बिलोंग टू आर तथा ए टू ए थ्री बिलोंग टू आर अगर होता है तो ए वन ए थ्री बिलोंग टू आर प्रूव करना होता है। अब ए कामा बी बिलोंग टू आर होने का मतलब क्या हुआ? अगर ये है तो इसका मतलब होता है संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। बी कामा सी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? संख्या दो बी माइनस सी को विभाजित करती है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ए माइनस बी अगर कोई संख्या है वो दो से कट रही, इसका मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी सम है, और बी माइनस सी अगर कोई संख्या है वो दो से कट रही, इसका मतलब क्या हुआ? बी माइनस सी एक सम संख्या। इसका अर्थ यह है कि ए माइनस बी तथा बी माइनस सी दोनों सम संख्याएं हैं, दो सम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है। ये आप लोग जानते होंगे, ये है एक सम संख्या क्योंकि ये दो से कट रही है, ये भी सम संख्या है क्योंकि दो से कट रही है। तो किसी भी दो सम संख्या को जोड़िए तो एक सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे चार में छः जोड़ो तो दस हुआ, दस भी क्या है? सम संख्या। कोई भी दो संख्या लेके आप सम संख्या लेके जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी एक सम संख्या है, सम संख्या का मतलब दो से विभाजित है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो बी बी से कटेगा, ए माइनस सी भी एक सम संख्या। तो अगर ए माइनस बी एक सम संख्या, इसका मतलब क्या हुआ? दो ए माइनस सी को विभाजित करती है। तो अगर दो ए माइनस सी को विभाजित करती है इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए ए कामा सी बिलोंग टू आर, ए दो ए माइनस सी को विभाजित करती है, तो ए पहले लिखा जाएगा, सी बाद में लिखा जाएगा। ए कामा सी बिलोंग टू आर, अतः आर संक्रामक। ए कामा बी बिलोंग टू आर, बी कामा सी बिलोंग टू आर लेके मैंने क्या प्रूव किया? ए कामा सी बिलोंग टू आर, तो ये संबंध कैसा है? संक्रामक। इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो तो उस संबंध को तुल्यता संबंध कहा जाता है। ये संबंध कैसा है? तुल्यता संबंध है। चलिए लास्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे भी आप लोग देख लीजिए, मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ए बराबर एक दो तीन चार पाँच छः सात एक समुच्चय है, पर एक संबंध परिभाषित है आर ए कामा बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम। संबंध क्या है? ए और बी दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय एक तीन पाँच सात के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और उप समुच्चय दो चार छः के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उप समुच्चय एक तीन पाँच सात का कोई भी अवयव उप समुच्चय दो चार छः के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ से मैंने क्वेश्चन को हल करना शुरू किया है, और आप इसे समझिए। सबसे पहले तो मैंने संबंध लिख लिया, R बराबर A कामा B, A तथा B दोनों या सम है या विषम। तो सबसे पहले हमको इसे प्रूव करना है, यह संबंध, इस संबंध को हमें प्रूव करना है तुल्यता संबंध। तुल्यता के लिए हम इसे पहले क्या प्रूव करेंगे? स्वतुल्य, फिर सममित, फिर संक्रामक। अब देखिए सबसे पहले मैं स्वतुल्य प्रूव करूंगा। स्वतुल्य के लिए क्या होता है? ए वन प्रत्येक ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए।
तो कैपिटल ए द्वारा प्रदत्त कोई भी अवयव, मैं इस समुच्चय से कोई भी एक संख्या ले लूँ, मान लीजिए मैंने ए ले लिया, एक ले लिया, तो एक ले लिया तो क्या होगा, एक तो विषम है, तो कोई भी संख्या लूँगा वो संख्या या तो सम मिलेगी या तो विषम मिलेगी, है ना। ए या तो सम है या विषम है, इसलिए ए कामा ए बिलोंग टू आर, संबंध क्या है, दोनों संख्याएं तो सम होना चाहिए तो विषम होना चाहिए। जैसे ए अगर मैंने एक लिया है तो एक ए भी है, एक ए भी है, ए भी विषम है, ये भी विषम है, तो संबंध तो प्रूफ हो रहा है। अगर मैंने दो ले लिया, दो ए भी होगा, दो कामा दो हो जाएगा, तो दोनों क्या है, सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो क्रमित युग्म की दोनों संख्याएं हैं, संबंध यही है कि दोनों या तो सम हो या तो दोनों विषम हो। तो कोई भी संख्या या तो सम होगी या तो विषम होगी, तो इसलिए क्या होगा, ए कामा ए बिलोंग टू आर, अतः संबंध आर सुतुल्य संबंध, सुतुल्य तो प्रूफ हो गया। अब सममित के लिए देखिए, ए कामा बी बिलोंग टू आर अगर मैंने ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, ए तथा बी दोनों या तो सम हैं या विषम, दोनों दोनों सम हो सकते हैं या दोनों विषम हो सकते हैं। अगर यह सम है तो यह भी सम होगा, यह विषम है तो यह भी विषम होगा, अगर ए सम है तो बी विषम है, ए विषम है तो बी भी विषम है, दोनों या तो सम है या तो विषम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी तथा ए दोनों या तो सम है या विषम। तो अगर बी तथा ए दोनों सम है या विषम, तो अब मैं कैसे लिखूँगा, बी कामा ए बिलोंग टू आर, यहाँ पर ए तथा बी था तो ए पहले था भाई, अब बी तथा ए आ गया तो बी पहले लिखना पड़ेगा, ए तथा बी में दोनों सम है या विषम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी तथा ए दोनों सम है या विषम। तो अब लेकिन अगर मैं उसको मैथमेटिकली लिखूँगा तो ये रिलेशन देखिए, ए पहले है तो ये पहले लिखा गया, अब बी पहले आ गया तो बी पहले लिखा जाएगा, तो बी का मैं बिलोंग टू आर प्रूफ हो गया, अतः आर सममित है। ए वन ए टू बिलोंग टू आर मैंने लेके ए टू ए वन बिलोंग टू आर प्रूफ कर दिया, ऐसा एक मतलब ए वन की जगह पर ये है, ए टू जगह पर बी है, तो यह तो सममित हो गया। अब देखिए मुझे संक्रामक प्रूफ करना, संक्रामक में क्या होता, ए वन ए टू बिलोंग टू आर, ए टू ए थ्री बिलोंग टू आर लेके ए वन ए थ्री बिलोंग टू आर प्रूफ करना होता। तो ए कामा बी बिलोंग टू आर का मतलब क्या हुआ, ए तथा बी दोनों या विषम है या सम, बी कामा सी बिलोंग टू आर का मतलब बी तथा सी दोनों सम है या विषम है। अब देखिए अगर मैं ए को सम ले रहा हूँ तो बी भी सम होगा, और अगर बी सम है तो सी भी क्या होगा, सम होगा, ए अगर विषम है तो बी भी क्या होगा, विषम होगा, क्योंकि वही पर वही संबंधी है, और अगर बी विषम है तो सी भी विषम होगा। इसका मतलब अगर ए सम है तो सी सम होगा, ए विषम है तो सी विषम होगा। अब उसको देखिए मैंने दोनों का कंक्लूजन क्या निकाला, ए तथा सी दोनों या सम है या विषम, अगर ए सम है तो सी सम होगा, ए विषम है तो सी भी विषम होगा। तो ए तथा सी दोनों सम या विषम, इसका मतलब क्या हुआ, ए कामा सी बिलोंग टू आर हो गया, तो यह संबंध कैसा हो गया, संक्रामक भी हो गया, ए वन ए टू बिलोंग टू आर, ए टू ए थ्री बिलोंग टू आर लेके ए वन ए थ्री बिलोंग टू आर प्रूफ करना होता। तो मैंने क्या लिया, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, प्रूफ क्या किया, ए कामा सी बिलोंग टू आर। तो अगर कोई संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों हो तो उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं, अतः आर तुल्यता संबंध। अब उसके बाद देखिए उसी क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है, पुनः एक तीन पाँच सात के किसी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे, क्यों संबंधित होंगे, क्योंकि सभी अवयव क्या है, विषम है, सभी अवयव विषम है, इसलिए एक तीन पाँच सात के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे। दूसरा जो समुच्चय है, दो चार छः के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे क्योंकि सभी अवयव सम हैं, तो रिलेशन तो तभी होगा ना जब सारे अवयव सम हों, दोनों जैसे क्रमित युग्म के दोनों अवयव या तो सम हो या तो विषम हो,
तो अगर मुझे अवयव को इसी समुच्चय से लेना है तो दोनों अवयव हमेशा विषम होंगे, क्योंकि सारी सारी संख्याएं विषम है। और अगर अवयव को मुझे इस समुच्चय से लेना है तो सारे अवयव क्या होंगे? सम होंगे, क्योंकि सभी अवयव क्या है? सम है। समुच्चय 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव 2, 4, 6 के साथ संबंधित नहीं होगा, क्योंकि पहला अगर मैंने इसमें से कोई एक अवयव ले लिया और दूसरा अवयव इसमें से ले लिया, मतलब ए इसमें से ले लिया, बी इसमें से ले लिया, तो ए और बी में कभी भी संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि ए क्या होगा? विषम, और बी क्या होगा? सम। लेकिन संबंध हमारा क्या है? ए और बी दोनों या तो सम होना चाहिए या तो विषम होना चाहिए। तो इसका कोई अवयव इसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा इस संबंध के थ्रू। उसको देखिए, मैंने लिखा है क्योंकि 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव विषम है तथा 2, 4, 6 के सभी अवयव सम है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं, और आप इसको ढंग से समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद अगली वीडियो से हम लोग अभ्यास को शुरू करेंगे।